दोस्तों, मुझे बैंगू डील्स वाला ये वीडियो पहले हटाना पड़ा था क्योंकि गलती से इंडोनेशिया वाला डिस्काउंट कूपन कोड लग के आ गया था और न्यू ईयर के चलते चाइना में हॉलीडे था। तो आज मैं आपके लिए फिर से वो वीडियो लाई हूँ और इसमें मैंने कुछ और डील्स और इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड की है। और मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बजट कैटेगरी में कोई भी नेटिव 4K रेजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर नहीं आता है। सेलर्स 1080p और यहाँ तक कि 720p रेजोल्यूशन वाले प्रोजेक्टर्स जो 4K सपोर्ट के साथ आते हैं उनको ही 4K कहकर बेच रहे हैं। रियल 4K प्रोजेक्टर कम से कम 1.5 लाख के आसपास ही आता है। और ये भी जान लीजिए कि इंडिया में कोई भी प्रोजेक्टर मैन्युफैक्चर नहीं होता है, वो सब चाइना से ही आते हैं। वहाँ यही प्रोजेक्टर कम रेट्स पे अवेलेबल हैं, जबकि यहाँ वो बहुत हाई रेट्स में मिल रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए बैंगलोर से बहुत ही बढ़िया जेन्युइन प्रोजेक्टर, स्मार्ट वॉचेस, एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस और प्रोजेक्टर स्क्रीन्स अनबिलीवेबल प्राइसेस पे लेकर आई हूँ, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स कंपनी से डायरेक्टली आप तक भेजे जाते हैं तो इनमें कोई भी फेर बदल का डाउट नहीं रह जाता है और वहाँ से आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलता है। जबकि यहाँ कई सेलर्स रिफर्बिश्ड और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। बैंगलोर भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की ही तरह बिल्कुल सेफ शॉपिंग साइट है, जहां से डेली ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों लोग शॉपिंग करते हैं। वहां खरीदने पे आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं, बिना किसी डाउट के आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। मैं 2018 से उस वेबसाइट से एसोसिएटेड हूं और मुझे उनके खिलाफ हार्डली कोई कंप्लेंट मिली है। इन सारे प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक्स उनके डिस्काउंट कूपन कोड के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, बैंगलोर से प्रोडक्ट्स खरीदने पे आपको आपके पैसे की फुल गारंटी भी मिलती है। किसी प्रोडक्ट पे 7 दिनों का रिटर्न ऑप्शन होता है तो किसी पे 15 दिनों का रिटर्न मिलता है। इन सारे ही प्रोडक्ट्स पे आपको कोई भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। जिन प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है उनकी इंडिया में शिपिंग ही नहीं हो रही है। बस चेकआउट करते समय आपको टैरिफ इंश्योरेंस जरूर लेना होगा। इसके अलावा अब बैंगलोर से प्रोडक्ट्स 10 दिनों के अंदर ही पहुंच रहे हैं। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स 1 हफ्ते में भी आए हैं, लेकिन याद रखिए कि शिपिंग 7 फरवरी को ही रिज्यूम होगी, जब उनका सारा स्टाफ छुट्टी से वापस आ जाएगा। और हाँ, जो लोग हर चीज में डाउट कास्ट करके निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ अमेजोन पे भी प्रोडक्ट की सेल पे मुझे एफिलिएट मिलता ही है, बल्कि बैंगलोर की एफिलिएट फीस अमेजोन से कम होती है। मैं ये सब डील सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोजेक्टर्स खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उनका बजट इतना हाई नहीं होता है कि वो इन अच्छे प्रोजेक्टर्स को खरीद सकें। तो प्लीज ऐसे निगेटिव कमेंट्स को ड्रॉप करके किसी अच्छे इंटेंशन को बुरा मत बनाएं। सच मानिए, अगर इंडिया में ही प्रोजेक्टर्स मैन्युफैक्चर होते तो मैं कभी भी इन चाइनीज वेबसाइट्स को रिकमेंड नहीं करती। जब हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वहीं से आ रहा है तो उसका फायदा बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्टली आपको मिल जाए, यही मेरी कोशिश है। फ्रेंड्स, इस समय बैंगलोर पे स्प्रिंग सेल चल रही है जिसमें प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट वॉचेस और इनके अलावा भी ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही कम कीमत पे वहां मिल रहे हैं। मैंने बैंगलोर मैनेजर से स्पेशली बात करके इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स पे बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट लिया है, लेकिन याद रखिए कि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो तुरंत खरीद लीजिए, और अगर बैंगलोर वेबसाइट पे आपको कोई और प्रोडक्ट भी पसंद आए तो आप मुझसे उसका डिस्काउंट कूपन कोड मांग सकते हैं, मैं उनसे कहकर आपको वो दिलवा दूंगी। इस वीडियो में डील्स बताने के अलावा मैं आपको प्रोजेक्टर की लाइफ के बारे में भी बताकर आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी, साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप कैसे अपने प्रोजेक्टर्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मैं प्रोजेक्टर पे मिल रही इंडियन वारंटी के अलावा बैंगलोर की वारंटी पॉलिसी के बारे में भी आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हर प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको इंडिविजुअली तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो मैंने खुद यूज किए हैं उनके बारे में जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की, जिसकी इंडिया में बहुत सारे सेलर्स डिफरेंट नेम से मार्केटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है टोंजो LS 855 या फिर इसे जेब्रोनिक्स जेब पिक्साप्ले 16 कह लीजिए। यही प्रोजेक्टर और भी कई नामों से मार्केट में बिक रहा है। बैंगलोर पे इस समय इसका प्राइस 19,553 है, लेकिन मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद आपको ये प्रोजेक्टर सिर्फ 17,748 का
मिल जाएगा। मैंने इस प्रोजेक्टर पे उनसे रिक्वेस्ट करके शिपिंग चार्जेस भी वेव करवा दिए हैं। अब आपको इस पे कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं देने होंगे। ये है T6 Max प्रोजेक्टर जिसका मैंने हाल में ही रिव्यू किया था। Xiaomi का ये प्रोजेक्टर आपको इंडिया में 29,000 के आसपास में मिल रहा है, जबकि बैंगलोर पे आपको ये अभी 22,554 का मिल रहा है। मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद ये प्रोजेक्टर आपको सिर्फ 18,795 में मिल जाएगा, जिसपे आपको कोई भी शिपिंग फीस नहीं देनी होगी और कस्टम्स भी नहीं पड़ेगा। ये ब्लिसफुल BW VP13 फुल HD प्रोजेक्टर है जिसका मैंने रिव्यू भी किया है। कम पैसों में भी ये प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका परफॉर्मेंस कई कॉस्टलियर प्रोजेक्टर्स जैसे ON AK6, ON AK7 Max, ON AK8S और उनके जैसे दूसरे कई प्रोजेक्टर से बेटर है। ये प्रोजेक्टर बैंगलोर का वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। ऐसे तो इसका प्राइस बैंगलोर पे 12,032 है, लेकिन मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद ये आपको सिर्फ 10,227 का मिल जाएगा। अब जिनका बजट बहुत ही कम है उनके लिए भी मैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर लाई हूँ। ये है 720p रेजोल्यूशन के साथ आने वाला ब्लिसफुल BW VP1 प्रोजेक्टर जो मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद आपको सिर्फ 6,015 में मिल जाएगा। ये प्रोजेक्टर यहाँ 12,000 में मिलने वाले प्रोजेक्टर्स को भी अपनी पिक्चर क्वालिटी से बीट कर देता है। ये जान लीजिए कि ब्लिसवुल्फ कभी भी कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रिलीज नहीं करता है, उनके सारे ही प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के होते हैं। ये है Xiaomi Bamboo X1 प्रोजेक्टर जो मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद आपको सिर्फ 7,369 में मिल जाएगा। ये Xiaomi Bamboo T2 Max फुल HD प्रोजेक्टर आपको मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद 11,500 का मिल जाएगा। इसका भी मैंने रिव्यू ऑलरेडी किया है, आप उसे देख सकते हैं। ये अच्छा प्रोजेक्टर है। अगर आप स्क्रीन 80 इंचेस तक लिमिटेड रखेंगे तो आपको इसका बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। ये सब एंड्रॉइड टीवी बॉक्स है जिनमें MiCool बेस्ट है जो डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है और पिक्चर क्वालिटी को अमेजिंगली इनहांस कर देता है। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये नेटफ्लिक्स सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूं कि किसी तरह से ये कमी दूर कर सकूं, लेकिन अभी सक्सेस नहीं मिली है। इसकी पिक्चर क्वालिटी लाजवाब है। ये पहला एंड्रॉइड टीवी बॉक्स है जो डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है, जबकि दूसरे बॉक्सेस यहां तक कि मी बॉक्स भी केवल HDR10 सपोर्ट करता है। और अगर आपका बजट कम है तो आप ये दूसरे बॉक्सेस भी देख सकते हैं, H96 हैको मिनी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स नेटफ्लिक्स 4K सपोर्ट के साथ आता है और मेरा कूपन कोड लगाने के बाद आपको सिर्फ 4,500 का मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। ये कुछ स्मार्ट वॉचेस हैं, सब बहुत ही बढ़िया फीचर्स और प्रीमियम लुक्स के साथ आते हैं। स्क्रीन पे आप इनका प्राइस देख सकते हैं। Optimus 2 स्मार्ट वॉच का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है जिसमें सिम भी लगता है और बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। आप मेरे उस रिव्यू को देख सकते हैं। ये कुछ प्रोजेक्टर स्क्रीन्स हैं। ALR का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, आप उस रिव्यू को देख सकते हैं। बस ये याद रखिए कि इस स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट तो मिल जाता है, लेकिन व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं मिलते हैं। ब्लिसवुल्फ की इस पोर्टेबल स्क्रीन का रिव्यू भी मैं आपके लिए जल्द लाऊंगी। ये काफी अच्छी स्क्रीन है जिसे आप कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, ये बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट था जो मैं आपके लिए ला पाई हूँ। इस पे मेरी लाख कोशिश के बावजूद शिपिंग चार्जेस वेव नहीं हो पा रहे हैं। और अब बात करते हैं वारंटी की। तो अगर आपको वारंटी की फिक्र है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इंडिया में भी बहुत कम ऐसे सेलर्स हैं जो सही में सर्विसेज देते हैं।
मेरे पास सर्विसेज को लेकर बहुत शिकायतें आती हैं। शुरू शुरू में जब मुझे उनकी सर्विसेज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है तो मैं उनके प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर देती हूँ, लेकिन जब आपका निगेटिव फीडबैक मिलता है तो मैं आगे रिव्यू करने का मना कर देती हूँ। चाहे वो ज़ेब्रोनिक्स जैसी कोई कंपनी ही क्यों ना हो, आपको प्रोजेक्टर्स पे और प्रोडक्ट्स की तरह सर्विसेज नहीं मिलती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बोट और ज़ेब्रोनिक्स अपने साउंड बार पे भी अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि सब प्रोजेक्टर्स चाइना से ही मंगवाते हैं, स्पेयर पार्ट्स की यहां हमेशा किल्लत रहती है। बस शुरू शुरू एक आध वीक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके खर्चे पे प्रोजेक्टर मंगवा कर रिपेयर करके वापस भेज देंगे, लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। आपसे कुरियर के चार्जेस के अलावा उस पार्ट के चार्जेस भी लिए जाएंगे, और वो चार्जेस इतने ज्यादा होंगे कि उनमें उनके सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छी सर्विसेज किसी भी प्रोडक्ट की सिर्फ उसके मैन्युफैक्चरर्स से ही मिलती हैं, जिनके पास सारे स्पेयर पार्ट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं। यहां स्पेयर पार्ट्स की बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप बिना वारंटी पे डिपेंड किए जितना अपने प्रोडक्ट की केयर करें उतना ही उस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ेगी। अगर आप अपने प्रोजेक्टर को केयरफुली यूज करेंगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी, आपको बस उसे डस्ट से बचा कर रखना है। अगर आपके रूम में एसी नहीं है, कभी भी एक स्ट्रेच में उस पे 3 आवर्स से ज्यादा प्रोग्राम्स मत देखिए। प्रोजेक्टर को 20 मिनट का रेस्ट दे दीजिए ताकि वो कूल हो जाए। कोशिश करिए कि प्रोजेक्टर का प्लेसमेंट ऐसा हो जिससे वो ज्यादा हीट अप ना होने पाए। कहने को तो कंपनीज 50,000 आवर्स तक की लैंप लाइफ का वादा कर लेती हैं, लेकिन लैंप को तो छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर की बात है। साल दो साल के अंदर ही प्रोजेक्टर्स की LCDs हीट अप होकर खराब हो जाती हैं। प्रोजेक्टर्स की लाइफ टीवी से बहुत कम होगी अगर आप उस पे रेगुलर लॉन्ग आवर्स तक प्रोग्राम्स वैसे ही देखेंगे जैसे कि टीवी पे देखते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप टीवी को रेगुलर यूज के लिए रखिए और प्रोजेक्टर्स पे सिर्फ ओकेजनली मूवीज और शोज देखिए। अगर आप एक एसी रूम में प्रोजेक्टर को 4-5 घंटे के बाद भी 20 मिनट का गैप दे देंगे तब भी प्रोजेक्टर की लाइफ अच्छी होगी। अव्वल तो जब तक प्रोजेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो, उसे खोला नहीं गया हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से चेक करके ही भेजा जाता है। यूज के दौरान मैंने आपको जो सावधानियां बरतने को बोला है उसे आप ध्यान में रखिएगा, तो उससे प्रोजेक्टर की लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वारंटी पीरियड में कोई प्रॉब्लम आई भी तो आप बैंगूट के कस्टमर केयर पे बात करके स्पेयर पार्ट्स फ्री में मंगवा सकते हैं। बैंगूट से प्रोडक्ट खरीदने पे आपको वारंटी पीरियड में उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। ब्लिसवुल्फ के सारे प्रोजेक्टर्स पे बैटरी वाले छोड़कर 18 मंथ्स की वारंटी मिलती है, बैटरी वालों पे 12 मंथ्स वारंटी दी जाती है। अगर इस पीरियड में प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका स्पेयर पार्ट प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे तो किसी प्रॉब्लम का आना बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर कोई आई भी तो आप उन्हें उनके कस्टमर केयर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप उनके हेल्प सेंटर की गाइडलाइंस देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।